हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं और न्यूमेरिकल में पहला टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि राइट डाउन सेल रिएक्शन ऑफ द सेल। ये जो सेल दिया है इसका हमें सेल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार नंबर का एक न्यूमेरिकल तो इससे रिलेटेड तो निश्चित होगा स्टूडेंट्स। आपको इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होगा, एक टाइप में होगा कि आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, भाषा में लिखना होगा ना, प्रूफ डेट होगा या लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला होगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और दूसरा होगा आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब बहुत ही इजी है, इतना आसान भाषा में हम आपको सिखा देंगे ना कि आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके यही बनाओगे। और कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं ना, इसे बाहर भी नहीं जाएगा, एक दो क्वेश्चन और दे देंगे आपको बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखने का तरीका स्टेप, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है ये देखिए पहले, यहां पे स्टूडेंट्स यहां पे कुछ है एम से, ये एम आ रहा है और दो लाइन होगा इस तरह से, फिर यहाँ से मान लेते हैं एन से एन जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एन से एम प्लस है, एन प्लस इस पे जो प्लस है ना ये एन है, कुछ भी हो सकता है, और ये एन प्लस से एन, इसको पढ़ने का तरीका देखिए अच्छा से समझिएगा। या एक्स ले देता हूँ, चलो एक्स ले लेते हैं, ये एक्स और ये भी एक्स, ये आपका वाई और ये भी आपका वाई। देखिए कैसे काम हो रहा है, ये हमारे पास एक एक्स मेटल है या सब्टांस है, ये एक्स हमारे पास एक सब्टांस है, वो एन इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्स पे पावर है, इस पावर नहीं है मतलब इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये एक्स जो था ना ये एन इलेक्ट्रॉन लूज किया है, देख रहे हैं ना, ये एक्स है, ये एन इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्स पे है प्लस एन, और ये देखिए वाई पे प्लस एन है, ये लूज पहले से किया हुआ है और ये गेन करके वाई बना लेगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी, इसको क्या पढ़ते हैं ए बी सी, ए फोर एनोड, बी फोर ब्रिज, ब्रिज मतलब साल्ट ब्रिज, और सी फोर स्टूडेंट्स कैथोड, आया समझ में। ये अगर ऐसा लिखा हुआ, देखिए ये सारा क्वेश्चन उसी प्रकार से है ना, तो ये जो बीच में जो एक लाइन है पैरेलल दो लाइन है ऐसा, इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों रिएक्शन को सेपरेट करता है, अलग अलग न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बायां तरफ इधर उड़ जाना है स्टूडेंट्स, आपके बाएं तरफ वाले को एनोड कहेंगे और पैरेलल लाइन के इधर वाले को कैथोड कहेंगे, और आप लोग को पता ही है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट इसमें लिखेंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, त्याग होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो हमारे पास देखिए मेटल है, अगर इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है इस एक्स के पास, यहाँ पर देखिए x को लिखा है प्लस n, इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा ना 30 में से n घटा दीजिए, मतलब 30 में से n घटा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन का खात्मा हुआ है, लूज हुआ है। और यहाँ पर देखिए अगर इसका है 50 तो 50 अब माइनस n है, और जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना ये 50 माइनस n में n जुड़ जाएगा, n का कितना हो जाएगा टोटल 50। ये एग्जाम्पल लिया हमने, तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि बाएं तरफ वाले को जो दो पैरेलल लाइन है इधर बाएं तरफ वाले को एनोड कहेंगे, दाएं तरफ वाले को कैथोड कहेंगे, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, और बीच वाला साल्ट ब्रिज है इसका भी कोई काम नहीं, बस सेपरेट करता है। अब देखिए यहां आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
इस क्वेश्चन को इसी के सहायता से सॉल्व करना है। देखिए हाफ एच टू से एच प्लस, हाफ एच टू से एच प्लस, तो ये साइड है दो लाइन है ना पैरेलल, इसके इधर वाले को क्या कहेंगे एनोड, और इसके इधर वाले को क्या बोलेंगे कैथोड। एनोड क्या है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, ये कैथोड है इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, समझ गए। इसको नोट कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देखिए इतना आसान भाषा में आपको बताया। अब एनोड पे जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, एनोड पर, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। अगर यहां पे स्टूडेंट्स एक्स है, ये एक्स से क्या बन जाता है, एक्स पर एन इलेक्ट्रॉन खत्म, तो इसमें हम एन इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ये एक्स ऑक्सीडेशन लिखने का तरीका, इधर एकदम प्योर मेटल होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन खोया हुआ नहीं होगा, ये सब कम से कम सॉलिड रूप में है। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस के पास इधर तीर के इस तरफ x पे प्लस माइनस लिखना होगा, प्लस लिखे मतलब ये x जो है n इलेक्ट्रॉन जब खोया तो इतना बना लिया, और बाएं दाएं तरफ भी जितना बचेगा इस पर प्लस माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन यहां पे जोड़ दिया जाता है। मतलब ये दोनों बराबर कब होगा, जब जितना ये इलेक्ट्रॉन खोया है उतना इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया, तब दोनों इक्विवेलेंट होगा। और कैथोड पे क्या लिखेंगे, कैथोड कैथोड का रिडक्शन होता है, तो इसमें स्टूडेंट क्या लिखेंगे वाई है, वाई पे प्लस एन है, तो ये बना लेगा वाई। लेकिन स्टूडेंट इधर हमें कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, एन इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, वाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं खोया है इसीलिए उतना इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकर बना लिया वाई। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को इधर जोड़ दिएगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को इधर जोड़ना, देख रहे हैं जस्ट अपोजिट है, समझ गए ना। और सेल रिएक्शन लिखने का तरीका, अगर मैं इसका सेल रिएक्शन लिखना चाहूं, सेल रिएक्शन, तो देखिए स्टूडेंट सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। सेल रिएक्शन जब हम यहां पे लिखेंगे नीचे में, सेल रिएक्शन को कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन या सेल रिएक्शन ना, तो स्टूडेंट या फुल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कटा दिया जाता है। तो यहां से देखिए ये इलेक्ट्रॉन n है, यहां भी n इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा। इसको देखो सबसे पहले इसमें क्या क्या बचा, इसमें x बच रहा है, x लिखेंगे तीर के निशान में के x प्लस n लिखेंगे, ये वाला पूरा लिख लीजिए। अब ये लाइन का देखिए, इस एरो से पहले क्या है y, यहां पे लिखेंगे y प्लस n, और इधर क्या है y, हो गया, ये सेल रिएक्शन है। देख रहे हैं इसमें कहीं है इलेक्ट्रॉन का चर्चा, कहीं नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाता। तो अब मुझे लगता है कि आप बढ़िया से समझ रहे होंगे, न्यूमेरिकल है इसलिए न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान रखिए, मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर, x पर है, यहां से बन गया स्टूडेंट्स x पे प्लस 2, ये दो इलेक्ट्रॉन खो लिया, और दूसरा ये एनोड पे हो रहा है काम, दूसरा है y प्लस 3, तो तीन इलेक्ट्रॉन लेगा ये, बना लेगा y। अब दोनों को जोड़ना है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कटाना होता है, तो यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है, कभी कटेगा तो दोनों को बराबर करना होगा। तो क्या करेंगे पता है, इसके इसका देखिए तीन है ना, इसको तीन से गुणा कर दीजिए, और इसमें दो है ना, इसको दो से गुणा कर दीजिए। अब देखिए छह इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी छह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कोफिशियंट से दोनों को गुणा करके इलेक्ट्रॉन बराबर कर लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सेल रिएक्शन में नहीं लिखा जाता, रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अब देखिए तीन गुणा एक्स थ्री एक्स प्लस दो गुणा ये वाई प्लस थ्री, तो टू वाई प्लस थ्री, ये यहाँ सब कट जाएगा, क्योंकि तीन देखते हैं तीन दोनों छः, यहाँ भी तीन दोनों छः हो रहा है, इधर ए लोकस है, ये दो तीन से गुणा है तो थ्री एक्स प्लस टू, और ये दो से गुणा है तो टू वाई, ऐसे करके लिखा जाता है, समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को सेल रिएक्शन में कटा के लिखना, रिप्रेजेंट ही नहीं करना है इलेक्ट्रॉन को, नहीं तो गलती हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कहता है Pt मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, हाफ एच टू एच प्लस हो जाता है Cu से Cu हो जाता है, यानी दो बीकर है, एक बीकर में एच प्लस का सोल्यूशन है, दूसरे में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और कहता है कि उस दोनों में हम क्या किए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड,
कहता है कि इस सॉल्यूशन में पॉलीक्लिनिक इलेक्ट्रोड का यूज करने से इसमें सेल रिएक्शन कैसे होगा उसको लिखिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे गिवन ना, आपका ये क्वेश्चन पेपर में है तो आप अपने आंसर पेपर में लिखिएगा गिवन पीटी हाफ H2 से H प्लस उसके बाद Cu प्लस 2 से Cu लिखेंगे। After electrolysis, lysis, if using PT electrode, मतलब platinum electrode, मान इतना ही लिखने का लिखिए तो इतना ही भी लिख सकते चलेगा। Reaction सबसे पहले एनोड पर, एनोड में क्या होगा ऑक्सीडेशन, ये लाइन लिखने को मन है लिखिए नहीं भी लिखिएगा चलेगा जरूरी नहीं है। रिएक्शन लिखेंगे एनोड पर रिएक्शन, तो आप देखिए साल्ट ब्रिज है इधर बाएं तरफ को एनोड बोलेंगे दाएं तरफ वाले को कैथोड, इसका मतलब इस एनोड है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लिखेंगे यहां स्टूडेंट्स हाफ एच टू सी एच प्लस एक्वा सॉल्यूशन हो गया प्लस कितना है प्लस एक है ना एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए फिर कैथोड पर, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, ये हाफ सेल हुआ, ये हाफ सेल हुआ दो बीकर में एक रिएक्शन हाफ सेल दूसरा रिएक्शन हाफ सेल, हाफ सेल हाफ सेल दोनों जोड़ के फुल सेल हो जाता है। कैथोड पर ये रिडक्शन हो जाएगा Cu प्लस 2, तो Cu पे कितना है 2 प्लस है ना इसलिए दो इलेक्ट्रॉन इधर जुटेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया बना लिया Cu सॉलिड। अब इतना तो हो गया, अब हमको लिखना है स्टूडेंट सेल रिएक्शन, बस जब भी एग्जाम में आए ना इतना तो गिवन इतना लिख लीजिएगा उसके बाद डायरेक्ट यहां पर आ जाइएगा। ये रिएक्शन एनोड वाला लिखिएगा, एनोड वाला ये वाला रिएक्शन जैसा है वैसा ही उतार देना इसे करके, अब कैथोड वाला में इन दोनों को यहां से यहां तक उतार देना है तब लिखेंगे सेल रिएक्शन। इसीलिए इसको पहले लिख लीजिए हाफ एच टू से एच प्लस एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको हमको क्या करना होगा दूसरे गुना अभी नहीं बात करना है सी यू प्लस टू एक्वा सॉल्यूशन प्लस दो इलेक्ट्रॉन से सी यू सॉलिड जोड़ेंगे यहां पर लिख देंगे सेल रिएक्शन, जब काम नहीं करते यहीं पर ना लिखते हैं काहे जब अलग अलग लिखते हैं यहीं पर लिख देते हैं दिख रहा है नहीं अलग अलग लिखने से कोई फायदा नहीं है ऐ यहां लिख देते हैं ऐसे करके लिखा ही जाता है टेंशन नहीं लीजिए सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन का इक्वेशन और रिएक्शन का इक्वेशन दोनों को जोड़कर लिखा जाता है, लेकिन एक कंडीशन है उसमें इलेक्ट्रॉन को वहां से हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो देख लीजिए रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन है 1, क्या कभी दोनों कटेगा क्रॉस होगा खत्म होगा नहीं होगा, इसके लिए क्या करना होगा बाबू ये ऑक्सीडेशन वाला नंबर को 2 से गुणा कर दें, क्योंकि दो से गुणा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 1 है और रिएक्शन के कोफिशिएंट का इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब लिखिए अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया मन में ही पता चल जाएगा चेक करने वाले को, इस पूरे इक्वेशन को यहां से यहां तक 2 से गुणा किया जा रहा है, तो बताइए एच टू को हाफ से गुणा करेंगे तो हाफ हाफ खत्म हो जाएगा ना, अरे बापू ये 2 से गुणा हो रहा है 2 2 कट जाएगा ना, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा एच टू प्लस का चिन्ह देंगे प्लस करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है। अब देखिए एरो से पहले कुछ नहीं बचा नहीं बचा, इसमें देखिए क्या है इसको तो गुणा नहीं किया जा रहा है खुद इक्विवेलेंट है, ये बाबू देखिए इधर बच रहा है सी यू प्लस टू एक्वा सॉल्यूशन, अब एरो का साइन देंगे मतलब इसमें एरो के पहले ये था और इसमें एरो के पहले सी यू प्लस टू था, तो दोनों को जोड़ के लिखिए, अब एरो के उस तरफ वाला ये 2 से गुणा हो रहा है ये हो जाएगा टू एच प्लस,
अब प्लस का चिन्ह देंगे और यहां पे कॉमा है, हो गया, यही आपका आंसर है। एग्जाम में आया पहला क्वेश्चन और इतना आप लिख लीजिएगा तो चार नंबर ऐसे ही उठा लेंगे फ्री का। समझ में आया? समझ में आया? दूसरा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इधर वाले को ऑक्सीडेशन, इधर वाले को रिडक्शन में रखना है, और सेल रिएक्शन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन को इक्विवेलेंट करिए और क्रॉस कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, तब ये लिखना है। ऐसे जोर के लिख दीजिए ना, सेल रिएक्शन तब गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, चलो बाबा। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, बी नंबर गिवन, गिवन में क्या है, Zn से Zn प्लस ना, सब पहले लिख लीजिए, Zn से Zn प्लस टू, फिर Ag प्लस से Ag, सॉरी ना लिखेंगे रिएक्शन किस पर, एनोड पर, एट एनोड, एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में देखो बाबा हमारा यह Zn है, ये सॉलिड रूप में है, ये टूट कर बन जाता है Zn प्लस टू, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दो बाहर से, तब ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब लिखते हैं एफ कैथोड, इस पे होता है रिडक्शन, ये वाला Ag प्लस, देखिए एक्वा सोल्यूशन कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहेगा ऐसे, आयन में टूटेगा तो एक्वा सोल्यूशन होगा, ये Ag एक्वा सोल्यूशन है, इसमें देखिए कितना प्लस है, ए ए इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, Ag सॉलिड। अब हमको लिखना है स्टूडेंट सेल रिएक्शन, क्या लिखना है, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता ही है। अब दोनों को जोड़ कर लिखिए, दोनों को जोड़ने से पहले थोड़ा इलेक्ट्रॉन पे नजर दौड़ाइए, ऑक्सीडेशन में दो इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन, जुड़ेगा नहीं ना, कैंसिल लेने होगा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम लिख देंगे मल्टीप्लाई टू। अब देखते दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला में कोई चेंजिंग नहीं है, Zn लिखा जाएगा, Zn सॉलिड अवस्था में है। अब इसमें एरो के पहले कुछ नहीं बचा, इसमें देखिए क्या है, Ag प्लस है, लेकिन ये दो से गुना हो रहा है, लिखा गया 2Ag प्लस इक्वल सॉल्यूशन। अब एरो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल है, यहां पर Zn प्लस 2 इक्वल सॉल्यूशन प्लस, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा यहां से 2Ag सॉलिड, ये आपका आंसर। कितना आसान से दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा आसान है, एग्जाम में छोड़ना नहीं पाओ। क्वेश्चन नंबर टू क्लियर, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, बताऊं अब थ्री देखो बाबा, थ्री में कहा गया है गिवन, गिवन थ्री नहीं मतलब सी नंबर है, चलो गिवन है एफ ई से एफ ई प्लस टू साइड ब्रिज एम एन ओ फोर माइनस से एम एन प्लस टू, आयरन से आयरन प्लस और एमएनए ऑक्साइड से एम एन एस ओ फोर सॉरी एम एन प्लस टू, क्या करोगे रिएक्शन ना, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, ये वाला लाइन सीधे उतार दो एफ ई सी, ये सॉलिड है सॉलिड लिख दो एस, चला गया एक्वा सॉल्यूशन पानी में मिल के टूट गया, दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना इस पे कुछ नहीं है ना, तो जीरो है, एफ ई पे कुछ प्लस माइनस नहीं है, जीरो है, तो जीरो और दो का डिफरेंस कितना, प्लस दो, इसीलिए हम इसमें दो लिख देंगे। ये जीरो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, जो खो रहा है उसी को इलेक्ट्रॉन दे दो। अब लिखेंगे एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन, ये वाला, ये बाबू देखो एम एन ओ फोर माइनस से
ये बन गया क्या Mn plus 2। जब MnO4 टूटता है यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जलीय अपघटन है या विद्युत अपघटन बोलो हिंदी में बोलते हैं, तो इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है स्टूडेंट्स, ये बनता है Mn+2 और जल बाहर निकल जाता है। अब यहां से स्टूडेंट हम इसको इक्विवेलेंट करें, जब MnO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो बनता है Mn+2 प्लस जल H2O। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इक्विवेलेंट करेंगे। ऑक्सीजन को करने के लिए इधर चार ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इधर चार से गुणा कर देंगे इसको। तो चार ऑक्सीजन इधर हो गया, चार ऑक्सीजन इधर हो गया, एक Mn इधर है, एक Mn इधर है, ये भी ठीक है। इधर हाइड्रोजन की संख्या है स्टूडेंट्स 4 × 8, तो हमको इधर जोड़ना होगा स्टूडेंट्स 4H+ आयन जोड़ना होता है। हाइड्रोजन को इक्विवेलेंट करने के लिए हम हाइड्रोजन का आयन ऐड करते हैं। अब बताइए इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा, तो आप तो कहोगे सर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को हम इधर ऐड करते हैं और रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के एरोसिव पर यहां ऐड करेंगे। अब कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं क्या, यहां पे प्लस यहां माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जोड़ के छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत। हमने भी जस्ट बताया है ये इलेक्ट्रॉन पे इस डिप रहे हैं या पिक पर, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जीरो है, इस पे दो है, ये जीरो और दो का अंतर कितना, प्लस दो, तब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन फाया है, इधर एक उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दे। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए Mn और यहां Mn+2, ये दो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, ये साफ दिख रहा है, समझ रहा है बढ़िया से, ये Mn दो इलेक्ट्रॉन खो रहा है यहां पे दिख रहा है, और ये Mn कितना इलेक्ट्रॉन खो रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल दिए होंगे सर ये -1, नहीं इसके साथ में ये नहीं आता तब बोलते, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है, लेकिन स्टूडेंट यहां पे O भी है पढ़ते हैं MnO4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये वाला पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कि कैसे निकाला जाता है। हम Mn को मान लेते हैं X या फिर Mn ही मान, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लिखेंगे Mn प्लस ऑक्सीजन का अपना होता है -2, यहां लिखाएंगे -2 गुना ऑक्सीजन का चार अणु है, किसी भी चार से गुना हो जाएगा बराबर, इस टोटल पे कितना पावर है माइनस है, लिखेंगे -1। अगर स्टूडेंट यहाँ पर आता -2 तो यहाँ पर लिखते हैं -2, अगर स्टूडेंट यहाँ पर आता -3 तो यहाँ पर लिखते हैं -3, अगर स्टूडेंट यहाँ पर आता +1 तो लिखते हैं +1, अगर यहाँ पर आता +2 तो लिखते हैं +2, जितना हम यहाँ पर आता लिखते। अब कहोगे सर कुछ नहीं आता तो स्टूडेंट लिखते 0, इस पे प्लस माइनस कुछ नहीं होता तो लिखते 0, लेकिन देखिए वो -1 दे दिया है, इसका मतलब है यहाँ पे -1 होगा होगा। अब तो सर यहाँ को -1 तो नहीं, सिर्फ माइनस है, अरे माइनस का मतलब क्या, -1 ही दिया, 2 रहता तो 2 लिख देता, 3 रहता 3 लिख देता, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता। तो देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन नंबर Mn -4 × 8 = -1, इसीलिए Mn बराबर +7, क्योंकि 8 उधर जाएगा तो +7। यहाँ पर Mn 7 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, प्लस बनाया है, यहाँ पे Mn 7 इलेक्ट्रॉन खो रहा है और यहाँ पे Mn 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खो रहा है, ये 7 इलेक्ट्रॉन दिया किसी को, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों में डिफरेंस कितना का, तो दोनों में 7 - 2 यानी 5 का डिफरेंस, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, समझ पाया। तो जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खोया जा रहा है उधर ही इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है बाबू, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, दोनों का डिफरेंस हो गया कितना +5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इधर हम ऐड करेंगे। अब वो एक अब हमको सेल रिएक्शन लिखना है, ये तो हाफ सेल रिएक्शन लिखे हैं, इसको कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एक सेल में हो रहा है, रिडक्शन एक सेल में हो रहा है, मतलब अलग अलग सेल में हो रहा था हाफ सेल रिएक्शन, और दोनों सेल को मिला देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो फुल सेल रिएक्शन हो जाएगा। तो बाबू ये हो गया ये, और जब सेल रिएक्शन लिखिएगा तो देखिए होने वाला क्या है, सेल रिएक्शन,
सेल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को इक्विवेलेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन में दो इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में पांच इलेक्ट्रॉन है, कभी बराबर होगा? नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इसको पांच से गुणा कर रहे हैं और इसको दो से गुणा कर रहे हैं दोनों के कोफिशिएंट से। अब 5 * 10 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 5 * 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल इक्वेशन 5 से गुणा हो रहा है, यहां हो जाएगा 5 Fe सॉलिड प्लस का चिन्ह देंगे, अब इसमें कुछ नहीं बचा। और ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई पूरा हो रहा है तो अब हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस, ये देखिए H प्लस आयन 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 8। नहीं गलती की है, हाइड्रोजन यहां है 4 में 8, तो यहां भी 8 में देना था, मिस्टेक। हाइड्रोजन की संख्या 8 था ना, 4 में 8, यहां भी स्टूडेंट 8 ही इलेक्ट्रॉन देते ना, हाइड्रोजन का 8 में 16 हो जाएगा H प्लस। इलेक्ट्रॉन तो गायब, अब 5 से गुणा हो रहा है तो 5 Fe प्लस 2 इक्वल सॉल्यूशन प्लस, अब इधर कुछ नहीं है, ये 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2 Mn प्लस 2 प्लस जल के अणु कितना 4 × 8 H2O। ये स्टूडेंट्स ये रिएक्शन है, ये बहुत बार पूछा है सी नंबर, इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। बस रिडक्शन में ये लाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है लेकिन बहुत इजी है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, नोट कर लीजिए। अब लास्ट बचा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब खत्म ही होने वाला है, जब न्यूमेरिकल हम लोग पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो मेटलॉय बनाए हैं वीडियो और मेटलॉय में कुल मिला के 4 से 5 वीडियो बनेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टाइम लगता है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, हमने मात्र 40% पढ़ाया हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ 100% क्वेश्चन मिलेगा। और यही ऑफलाइन पढ़ाते तो कम से कम 15 दिन का क्लास होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ। स्टूडेंट डी नंबर गिवन Cu से Cu प्लस 2 साल्ट ब्रिज, Cl माइनस से हाफ Cl2, हाफ Cl2 कहाँ है देखिए, हैं एक होना चाहिए हाफ Cl2 होगा, Cl2 यहाँ होना चाहिए, एक क्वेश्चन है, हाँ हमें गलत लिखे थे, अब सही है। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होता है बाबू? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किधर वाला इलेक्ट्रॉन? एनोड तरफ, साल्ट ब्रिज के बाएं तरफ वाला। ये Cu सॉलिड है कॉपर, ये इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो बन जाएगा Cu प्लस 2, ये एक्वा सॉल्यूशन, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन देख के बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पे एट कैथोड, एट कैथोड यहाँ पे रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन, रिडक्शन में किसको लिखेंगे? ए तरफ, दाएं तरफ वाले को, Cl माइनस से बन जाएगा हाफ Cl2। इधर कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है, आखिर क्यों? क्योंकि Cl2 माइनस एक है, अब चेक करना है, चेक कर सकते हैं। अब देखो अब इसको ऐड करना है, सेल रिएक्शन ऐड नहीं कर लीजिएगा आप, यहां से लिखिए सेल रिएक्शन, इसको 2 से गुणा कर दीजिए ताकि बराबर हो जाएगा Cu सॉलिड प्लस 2 Cl माइनस goes to Cu plus 2 equal solution plus, ये 2 से गुणा होगा तो हाफ कट जाएगा, सीधे बचेगा Cl2, ये आपका सेल रिएक्शन, नोट कर लीजिए, खत्म ये चैप्टर। आप भी अच्छे डब्लू देते हैं बनाने के लिए बना लीजिएगा, तो ये अच्छे डब्लू एक क्वेश्चन, जेड एन से जेड एन प्लस 2 Cu प्लस 2 से यो, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है, पक्का जरूर।